दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम मुकाबले को देखने के लिए पहुंचे भारत के सबसे बड़े व्यक्ति। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम और निर्णायक मुकाबले के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति और भारत के महान व्यक्तित्व वाले राजनीतिक आदमी मैच देखने के लिए पहुंचने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने मुकाबले को देखने से पहले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ धमकी भरा बयान जारी कर दिया है। तो आखिरकार अंतिम मुकाबले से पहले मैच देखने के लिए कौन सा महान व्यक्ति स्टेडियम पर जाने वाला है यह तो आपको बताएंगे, साथ ही साथ उन्होंने क्या बयान दे दिया इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांडे और सूर्य कुमार यादव में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों के वनडे सीरीज के बाद अब तीन मैचों की टी20 सीरीज की समाप्ति आ चुकी है, जहां पर वनडे सीरीज में तो न्यूजीलैंड की टीम को भारत में 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया। तो वहीं अब टी20 सीरीज में सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम अंतिम कदम रखने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला धोनी के घर रांची में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम को रोमांचक परिस्थिति में 21 रन से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने वापसी करते हुए अगले मुकाबले में बेहद ही खतरनाक प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से एक गेंद पहले ही लखनऊ के मैदान पर जीत प्राप्त की। इसके बाद हर कोई हैरान रह गया। ऐसे में दोनों टीम सीरीज में एक एक जीत के साथ बराबरी पर है। ऐसे में अब अंतिम मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 1 फरवरी को खेला जाने वाला है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी मैच देखने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी मैच देखने के लिए अहमदाबाद के मैदान पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर उन्होंने पहुंचने से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ धमकी भरा बयान जारी कर दिया। इस बीच उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम इस मुकाबले में बड़े ही आसानी से जीत दर्ज कर लेगी, क्योंकि पहले दो मुकाबलों में भारतीय टीम ने एक बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि जीत और हार चलती रहती है, लेकिन जिस अंदाज से भारतीय टीम का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि भारतीय टीम अंतिम मुकाबले में भी बेहतर प्रदर्शन कर देगा। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से अंतिम मुकाबले के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है भारतीय टीम बड़े ही आसानी से मुकाबले में जीत हासिल कर लेगी। इसके अलावा दोस्तों नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस मुकाबले में भारतीय टीम की असली हिम्मत के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि अगर भारतीय टीम डरपोक टीम है तो भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन देखने को मिलेगा, अन्यथा भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को हरा देगी और न्यूजीलैंड को उसकी असली औकात दिखा देगी। मुझे उम्मीद है भारतीय टीम की तरफ से तमाम खिलाड़ी और भी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करेंगे और तीसरे मुकाबले में जीत दर्ज करने का पूरा काम करेंगे। हालांकि अंतिम मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और न्यूजीलैंड की टीम भी अपना पूरा दमखम लगा देगी, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करने का हर संभव प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि भारतीय टीम अगले मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए सीरीज अपने नाम कर लेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी अंतिम मुकाबले में देखने के लिए आएंगे या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।